Assalamualaikum guys, how are you? And I'm fine. I hope that you will be fine. और मैं ठीक हूँ और यकीनन आप सब भी ठीक होंगे। और अब जो पिछली प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी और उसके अंदर आप लोगों ने लाइक्स भी किए, व्यूज़ भी बहुत थे, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। तो यू पीपल आर गिविंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से मेरी हौसला अफज़ाई भी हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस आपको आने वाले दिनों में मिलती रहेंगी, जिसके ज़रिए आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। अच्छा, अब देखिए, लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने आपको समझाया था कैन, और कैन में मैंने आपको बताई थी एबिलिटी। और आज आई एम गोना डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। जो नया टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो भी कैन है, और उसके अंदर आई एम गोना क्लैरिफाई द डेफिनेशन। उसके अंदर कुछ और डेफिनेशन है जो मैं आपको क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम कैन को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ, द वन थिंग द विच आई एम गोना लेट यू नो, द कैन वी आर यूजिंग एज अ मोडल वर्ब। कैन को हम एज अ मोडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी डेफिनेशन है वीकनेस। पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई थी वो थी एबिलिटी, कि किस तरह हम एबिलिटी को शो करते हैं। वीकनेस के लिए मैंने स्ट्रक्चर, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, कैन, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, के नेगेटिव सेंटेंस है। सिर्फ नेगेटिव में क्या करना है, आपने नॉट लगाना है कैन के बाद। अच्छा, अब ये आपके ऊपर है, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाना चाहें तो आप इसको कैंट या फिर कांट कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जब आपको किसी की वीकनेस बतानी हो तो आप कैन को नेगेटिव में बनाएंगे, तो इस तरह उसकी वीकनेस को आप बता सकते हैं कि ये जो है वो वीकनेस है और ये वो काम नहीं कर सकता। ही इज़ नॉट एबल टू डू, कि वो काम करने के वो काबिल नहीं है। तो काबिल बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कैन के अंदर वीकनेस को समझाने के लिए, राइट नाउ आई एम गिविंग यू फाइव डिफरेंट एग्जाम्पल्स। By these examples, inshallah, you can make a thousand sentences by your thinking, by your mind, because it's a very easy topic, okay? अच्छा, अब देखिए, पहला है हमारे पास, I cannot teach सिंधी, मैं सिंधी नहीं पढ़ा सकता हूँ, because I don't have ability to teach सिंधी। तो जाहिर बात है, तो weakness होगी। We cannot fly kites, हम जो हैं पतंग नहीं उड़ा सकते। इट मीन्स वी डोंट नो हाउ टू फ्लाई काइट्स, हमें नहीं मालूम कि हम पतंग उड़ाना जो है हमें नहीं आती, सीखनी पड़ेगी। तो वीकनेस है ये फिलहाल। यू कैन नॉट ड्राइव अ कार बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, एंड ही कैन नॉट, अब वो, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, तुम गाड़ी या कार नहीं चला सकते हो। एंड ही कैन नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिख सकता है, बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू राइट अ लेटर, ही डजंट नो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द लेटर। ओके, तो इसका मतलब ये कि उसको सीखना पड़ेगा, तो वीकनेस हुई। एंड शी कैन नॉट ऑपरेट स्टिचिंग मशीन, शी डजंट नो हाउ टू ऑपरेट स्टिचिंग मशीन, वो नहीं जानती कि उसको स्टिचिंग मशीन कैसे चलाते हैं और सिलाई कैसे करते हैं, मतलब सीखना पड़ेगा। तो जो काम हमें नहीं आता एक्चुअली वो हमारी वीकनेस होती है, और हम इसको सीख कर और वक्त देकर इसको दूर कर लेते हैं। तो इसी वजह से द टुडे आई टोल्ड यू द कैन एज अ मोडल वर्ब एंड डेफिनेशन इज वीकनेस एंड स्ट्रक्चर इज हियर, सब्जेक्ट कैन नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस, एंड राइट नाउ आई गिव यू फाइव एग्जाम्पल्स हाउ टू मेक दिस सेंटेंसेज एंड हाउ टू क्लेरिफाई, हाउ टू शो एंड हाउ टू शो द वीकनेस ऑफ समबडी एंड समवन। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, पांच एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं। एंड इंशाल्लाह ताला ना, आई होप दैट द यू गाइस एक्चुअली अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी इजीली। एंड इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू आस्क द परमिशन बाय यूजिंग कैन। सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू से हैव अ नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।